उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। मध्य प्रदेश में आपने भी ग्राउंड पर रहकर बहुत मोर्चा संभाला था और उस वक्त मेरी आपसे लगातार बात चल रही थी और मैंने आपको बताया था कि हम लोग भारत डेमोग्राफिक रिसर्च के साथ बैठकर हम लोग समाज सर्वे हमने किया है और मैंने आपको सर्वे भी बताया था 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 74 के आसपास कांग्रेस को। तो आज वो सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा है। क्या कहेंगे न्यूज वन इंडिया और भारत डेमोग्राफी रिसर्च के इस सर्वे को लेकर? ढंग से काम किया है, वास्तव में अद्भुत है और लोगों का भरोसा इसी प्रकार से आगे बढ़ता है। सभी चैनलों ने अपना अपना दिखाया था कि ढंग से उन लोगों ने सर्वे किया है, लेकिन जो एग्जिट पोल के नतीजे थे वो सच्चाई के करीब न्यूज ऑन इंडिया ने देशी जनता के सामने रखा। इसके लिए अनुराग जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत बधाइयां कि वास्तव में आप लोगों ने, आपके टीम ने जाकर के धरातल पर जाकर के विधानसभा बाहर जाकर के जो आंकड़े इकट्ठा किए थे वो सच्चाई के बिल्कुल पास थे। मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कि आपने देश की जनता के सामने सच्चाई रखने का काम किया।